फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर लगभग एक महीना पहले बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल की एक्सपेक्टेड डेट रिवील करी गई थी। दरअसल बीसीसीआई ने बताया था कि इस साल 26 सितंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच हमें आईपीएल देखने को मिलेगा। इसके बाद से ही लगातार आईपीएल और आईपीएल टीमों को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी और अब करंटली आज आईपीएल और आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल टीमों को लेकर 5 बड़ी खबरें निकल कर आई है। मैं इस वीडियो में आपको आईपीएल और आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर निकल कर आई 5 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी टीम की तरफ से करंटली क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप घर बैठे गेम्स खेलकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अमित मजीतिया CBTF से जरूर कॉन्टेक्ट करें, आपको कमेंट बॉक्स में इनकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर जो आज 5 बड़ी खबरें निकल कर आई है, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये भारत सरकार की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने भारत में सितंबर में आईपीएल कराने के लिए भारत सरकार को लेटर लिखा था और भारत सरकार से मांग करी थी कि मुंबई में जो 3 से 4 इंटरनेशनल फैसिलिटीज वाले स्टेडियम्स हैं उनमें बायोसिक्योर एनवायरमेंट कर आईपीएल कराने की अनुमति दे दी जाए। तो भारत सरकार की तरफ से जो करंटली खबर निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार भारत में क्रिकेट को लेकर अगस्त में एक नई गाइडलाइन निकालेगा। दरअसल भारत सरकार ने प्रैक्टिस के लिए दोबारा से स्टेडियम तो खोल दिए है लेकिन भारत में अब दोबारा नए सिरे से क्रिकेट शुरू करने के लिए अगस्त में एक नई गाइडलाइन आने वाली है और लगभग ये कंफर्म्ड दिख रहा है कि शायद भारत सरकार अगस्त में बीसीसीआई को आईपीएल की अनुमति दे दे। तो ये आईपीएल को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर करंटली आईपीएल को लेकर निकल कर आई है वो ये आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब करंटली कंफर्म्ड कर दिया है कि इस साल हमें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर नहीं बदलता हुआ दिखेगा। दरअसल इस साल वीवो ही हमें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर रहता हुआ दिखेगा लेकिन इसके साथ ही करंटली पंजाब और सीएसके की तरफ से भी लगभग एक सप्ताह पहले बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। इन दोनों टीमों ने अपनी करंटली टीम से सभी चाइनीज ब्रांड्स को निकाल दिया था और अब करंटली ये दोनों टीमें इंडियन ब्रांड्स के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ कोलेबरेशन करने वाली है। तो हमें आईपीएल 2020 के सीजन के दौरान सीएसके की टीम, इसके साथ ही पंजाब की टीम, दोनों ही टीमें बिना चाइनीज ब्रांड्स के दिखने वाली है। इसके साथ ही जो करंटली तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को लेकर। दरअसल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैचेस होने वाले हैं और काफी हद तक ये खबरें आ रही थी कि इस दौरान आईपीएल होगा और ये सीरीज हमें आईपीएल के बीच होती हुई दिखेगी। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि अगर बीसीसीआई इस विंडो में आईपीएल कराती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आईपीएल होता है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को कैंसिल कर देगा और ये सीरीज जब दिसंबर जनवरी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी, इसके साथ ही ODIs की सीरीज होगी, उस सीरीज के बीच रखी जाएगी। यानी जो अक्टूबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज होने वाली है वो आईपीएल के चलते हमें पोस्टपोन होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये ओवरसीज यानी विदेशी प्लेयर्स को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने बताया कि अगस्त में अगर भारत सरकार आईपीएल की अनुमति दे देगी, इसके साथ ही आईपीएल के लिए विदेशी प्लेयर्स को भी भारत में आने की अनुमति मिल जाएगी। यानी जो लगातार आईपीएल टीमों के सवाल थे कि आखिर विदेशी प्लेयर्स कब भारत में आएंगे और कब आईपीएल की तैयारियां शुरू करेंगे, तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि अगस्त में जब आईपीएल की अनुमति मिल जाएगी, नई गाइडलाइन आईपीएल और भारत में क्रिकेट को लेकर आ जाएगी, उसके साथ ही अगस्त में विदेशी प्लेयर्स को भी भारत में आने की अनुमति मिल जाएगी और ये एक्सपेक्टेड है कि हमें अगस्त के महीने में सभी विदेशी प्लेयर्स भारत आते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये सौरव गांगुली की तरफ से। दरअसल गांगुली ने बताया कि इनको यहां पर ये दिख रहा है कि अगस्त के बाद शायद भारत सरकार भारत में आईपीएल की अनुमति दे देगी। इन्होंने बताया कि जब भी भारत सरकार से आईपीएल को लेकर अनुमति मिल जाएगी और नई गाइडलाइन के तहत आईपीएल की अनुमति मिल जाएगी, इसके बाद बीसीसीआई आईपीएल के शेड्यूल पर वर्क करेगी और आईपीएल की अनुमति नई गाइडलाइन के तहत मिलने के लगभग 7-8 दिन बाद आईपीएल का नया शेड्यूल आ जाएगा। तो करंटली आईपीएल को लेकर आज ये बड़ी कुछ खबरियां निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग भारत सरकार को भारत में आईपीएल की अनुमति बीसीसीआई को देनी चाहिए या फिर नहीं।
इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करे लाइक और चैनल को जरूर करे सब्सक्राइब।